एपिसोड के स्टार्ट में बताया जाता है द स्वीटेस्ट जर्नी स्टोरी अबाउट अबाउटी और बार्बी पार्क में वॉक कर रहे होते हैं कहती है अगर हम रास्ता लेंगे तो हम एक ह्यूज रॉक पे पहुंच जाएंगे और जब लाइट रॉक पे शाइन करेगी तो बारबी कहती है फेरी प्रिंसेस फॉरेस्ट के जरिए फ्लाई करेगी कहती है तुमने कुछ टाइम पहले ये कहा था चलसी कहती है मुझे पता है बट वहां जाना चाहती हूँ बारबी कहती है हमारे पास टाइम है और देखो यहाँ कितना कुछ देखने को है चर्सी कहती है हम जितना जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी प्रिंसेस रॉक देखेंगे बट बारबी कहती है हम यहाँ भी देखेंगे और थिंग्स को एंजॉय करेंगे जैसे कि ह्यूमिंग बर्ड्स बर्ड को लेके एक्साइटेड हो जाती है चर्सी कहती है मैं ट्री स्टम पे बैठ के वेट करती हूँ फ्लावर्स को मैश कर देती है और चर्सी देखती है और ड्रीम टोपिया में पहुंच जाती है कहती है ये तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है आज श्री टोपिया में कुछ एक्साइटेड होने वाला है फिर चेलसी पीनट बटर और जेली से मिलती है पीनट बटर और जेली कहते हैं पार्टी स्टार्ट हो गई है चलो चलते हैं। तभी सिर्फ फैंसी चीज अनाउंस करता है बारबी का और बारबी बार्बिया चाहती है बारबी चेलसी को कहती है तुम टाइम पे यहाँ आई हो कहती है स्वीट पेयर पार्टी पर पे स्टार्ट होने वाली है तभी अनाउंस होता है कि स्वीट पेयर आ रहा है और यूनिकॉर्न आते हैं और स्वीट पेयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं मिल्क एंड मिसेस चिप्स को फिर स्ट्रॉबेरी बीयर आते हैं बारबी कहती है स्वीट पेयर पार्टी में बहुत मजा आएगा और पार्टी के लास्ट में स्वीट विल के स्वीटेस्ट पेयर को क्राउन पहनाएंगे जैसे मार्च शेरी ट्विन शेल्सी कहती है पीनट बटर एंड जेली बट जेली नहीं होती पीनट बटर कहता है पर अभी तो यही थी बारबी को पूछता है आपने उसे देखा है बारबी ढूंढती है बट जेली नहीं होती पार्बी कहती है यू नो जेली उसे एक्सप्लोर करना कितना पसंद है पीनट बटर होता है कहता है कहता हम मिस नहीं, नहीं कर सकते चेल्सी कहती है मैं और हनी जेली को ढूंढने में हेल्प कर देंगे पीनट बटर हैप्पी हो जाता है और चेल्सी का थैंक्स करता है कहता है बट पार्टी का क्या होगा पार्बी कहती है डोंट वरी जेली ज्यादा दूर नहीं गई होगी तुम लोग टाइम पे आ जाओगे चेलसी कहती है चलो विप क्रीम फूड स्टेप्स को फॉलो करते हैं सब फूड स्टेप्स को फॉलो करते हैं और जेली कहीं जा रही होती है चेलसी कहती है जरूर जेली इसी रास्ते से गई होगी कहते उसके हॉल के एंड तक जा रहे हैं और कंटिन्यूसली सब फूड प्रिंट्स को फॉलो करते हैं जेली कहती है मुझे पार्टी में वापस जाना चाहिए कहती है बट यहाँ कितना कुछ देखने को है जेली चॉकलेट डोर खोलने का ट्राई करती है बट डोर नहीं खुलता और जेली दूसरे डोर से कहीं चली जाती है चेल्सी कहती है हम बस राउंड राउंड घूम रहे हैं पर जेली का कोई साइन नहीं है तभी पीनट बटर को चॉकलेट डोर पे जेली की जेली नजर आती है पीनट बटर ट्राई करता है पर डोर नहीं खुलता फिर सब मिलके ट्राई करते हैं डोर खुल जाता है और सब वहा चले जाते हैं चेल्सी कहती है बहुत मजा आया फिर सब टेंजरीन स्ट्रीम पहुंच जाते हैं चेल्सी कहती है यहाँ रॉक कैंडी वॉल्स है और वेफल कॉन भी है चलसी एक्साइटेड हो जाती है पीनट बटर कहता है नो ये बहुत फैसिनेटिंग है बट तभी एक साउंड सुनाई देता है चलसी कहती है बट हमें जेली को ढूंढना है कहती है मैं स्ट्रीम में पैरल करना होगा ताकि पता चले कि जेली कहाँ गई है तभी बारबी सबके साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती तभी नहता है क्या कहता कहता मैं अपनी मैजिक ट्रिक के लिए लेट तो नहीं हो गया बारबी कहती है मैंने पार्टी में मैजिक ट्रिक की प्लानिंग नहीं की है नोटो कहता है मैं अवेलेबल हूँ तभी क्लॉथ मैजिक ट्रिक करने के लिए बारबी कहती है है आई होप तुमने प्रैक्टिस की होगी ट्राई करता बट अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाता है दूसरी तरफ जेली बहुत फन कर रही होती है पीनट बटर अपसेट होता है कहता है जेली पता नहीं कहाँ है तभी ब्रिज से कुछ ब्रेड क्रम्स गिरते हैं चेल्सी डेफिनेटली ये जेली है और वो ब्रिज पे होगी हमें वहां जाना होगा फिर सब कप केक्स पे लैंड करते हैं और कप केक्स की हेल्प से ब्रिज पे पहुंच जाते हैं चलते कहती है उसने ऐसी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी है बट पीनट बटर कहता है बट मैं जेली और हम सबको पार्टी में देखना चाहता हूँ चलते कहते हैं हम पार्टी मिस कर रहे हैं कहते है मैं कुछ टाइम के लिए पार्टी का भूल गई थी ब्रेड क्रम्स नजर आते हैं कहता है इन्हें फॉलो करते हैं बारबी सबके साथ पार्टी में बहुत एंजॉय कर रही होती है फिर दोबारा नोडो मेजिक ट्रिक का कर ट्राई करता है बार भी कहती है हम एक मिनट के लिए सोचते हैं नोटो नहीं मानता बट दोबारा गड़बड़ हो जाती है तभी चेल्सी एक जगह पहुंचती है जहां कैरी कैसल और स्वीट वेल की हिस्ट्री होती है कहती है जेली को ढूंढने में एक्चुअली बहुत फन कर रहे हैं पीनट कहता है हाँ बट आई विश हम जेली को ढूंढ लें चेल्सी कहती है डोंट वरी हम ढूंढ लेंगे तभी चेल्सी एक डोर खोलने लगती है पीनट कहता है आराम से खोलो याद है लास्ट टाइम क्या हुआ था तभी एक जगह पहुंचते हैं और जैली का बो मिलता है पीनट कहता है जैली यही होगी तभी जैली आ जाती है और सब खुश हो जाते हैं चैलसी कहती है हम तुम्हें ढूंढ रहे थे पीनट कहता है अगर हम जल्दी जाएंगे तो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे चेल्सी कहती है डोंट वरी बस कुछ और मिनट हम पहुंच जाएंगे फिर चेल्सी कहती है सनसेट को देखना बहुत अमेजिंग है पार्टी परेशान होती है कहती है बस कुछ ही टाइम रह गया है क्राउनिंग सेरेमनी में पीनट बटर जेली और चेल्सी अभी तक नहीं आए हैं नोडर कहता है मैं उन्हें ले आता हूँ बट सब ऑलरेडी सब आ जाते हैं बारबी चेल्सी को चुप रहने को कहती है नोटो खुश होता है फैंसी चीज रिवील करने लगता है बट बारबी कहती है क्राउनिंग सेरेमनी का टाइम हो गया है फिर बारबी अनाउंस करती है कि इस एयर स्वीट पेयर पीनट बटर और जेली हैं और बारबी उन्हें क्राउन पहनाती है बार्बी चेल्सी को सॉरी करती है कहती है उसने काफी पारी मिस कर दी है चेल्सी कहती है इट्स ओके हमने जेली को ढूंढ लिया अगर हम सीधा पारी में आ जाते तो हम बहुत कुछ मिस कर देते बताते हैं सब ने क्या क्या देखा फिर सब पारी इंजॉय करते हैं फिर चेल्सी बारबी को कहती है क्या तुमने बेबी बर्ड पेयर देखा है ये कितना स्वीट है बारबी कहती है हाँ अब हम चले चेलसी कहती है अभी टाइम है कितना कुछ देखने को यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है थैंक्स फॉर वॉचिंग